एक हादसे की खबर मिल रही है कानपुर से। कानपुर में तेज रफ्तार गाड़ियों की टक्कर हुई है। आमने सामने से दो गाड़ियों की भिड़ंत की खबर है, जहां हादसे में एक गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बेकाबू होकर डिवाइडर से ये दूसरी कार टकरा गई। कानपुर में कैसा चौराहे के पास ये हादसा हुआ है। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर जीएसटी की टीम का छापा पड़ा है। ये एक और बड़ी जानकारी, बड़े पैमाने पर यहां टैक्स चोरी को लेकर छापा मारा गया है। बिना प्रपत्रों के 84 लाख का माल तैयार मिला है। जीएसटी टीम ने 30 लाख का जुर्माना लगाया है और 3 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने के लिए भी कहा गया है। ये बड़ी कार्रवाई, कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर जीएसटी की टीम का छापा पड़ा है। और अब खबर बागपत से, जहां एक शख्स को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। तस्वीरें बागपत के दोघट थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे की हैं, जहां दुर्गा मंदिर के सामने रखी लकड़ी हटाने के लिए कहने पर संप्रदाय विशेष के 3 लोगों ने एक व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि टीकरी कस्बे की पट्टी छिजाना में रहने वाले किशोर 2 अगस्त की दोपहर को दुर्गा मंदिर में आए थे। मंदिर के दरवाजे पर फर्नीचर की दुकान पर काम कर रहे यासीन की लकड़ी रखी हुई थी। किशोर ने लकड़ी हटाने को कहा तो यासीन ने अपने बेटे शहजाद और मोमिन उर्फ मलिक के साथ मिलकर उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। 2 दिन बाद पिटाई के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पुलिस ने अब पीड़ित की तहरीर पर एक ही परिवार के 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। नाम माधवी सिंह, पट्टी छिजाना, जिला बागपत। जैसे मंदिर में अभी जल चढ़ गया, सावन लग गया, तो भीड़ भड़ाका लोगों ने अपनी लकड़ी ये ठे लगे ठे भी इन लोगों ने बाथरूम वाथरूम करे। हमने कहा भीड़ भड़ाका है, लेडीज भी आती है, वो भी इन लोगों ने, मुझे भी नहीं पता, ये 3-4 मिले और मार के मुझे पिटन लगे। बढ़ते हैं आगे और अब बात बारिश से हो रहे नदियों के उफान की, जहां बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। मथुरा में एक तरफ यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाराबंकी में सरयू और घाघरा के कोहराम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बस्ती में नहर की पुलिया टूट जाने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। आप इस वक्त जल तांडव की ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां मथुरा में यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने, मथुरा की तस्वीर देखिए। युवकों का यमुना में स्टंट का सिलसिला शुरू हो गया है। वृंदावन के केसी घाट की तस्वीर है, दूसरी तस्वीर बाराबंकी की है। यहाँ सरयू नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। वहीं बाराबंकी के की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों जगह नदियां उफान पर। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर, जहां लोगों पर महंगाई की एक और मार। आरबीआई ने रेपो रेट में 3री बार बढ़ोतरी कर दी है। रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी, अब 5.4 हुआ है रेपो रेट। अब बैंकों से कर्ज लेना और भी ज्यादा महंगा हो जाएगा। आपकी ईएमआई पहले से अब बढ़ जाएगी, ये असर इस रेपो रेट के बढ़ने से दिखेगा। स्टेक होल्डर्स, द नेक्स्ट मेजर रिलेट्स टू the Bharat Bill Payment System, that is BBPS, for processing cross-border, for processing cross-border inward bill payments. Let me now spell out what exactly it is. The Bharat Bill Payment System is an interoperable platform for standardized bill payments. This has transformed the bill payment experience for users in India. Over 20,000 billers are part of this system and more than 8 crore transactions are processed on a monthly basis. It is now proposed to enable this system, that is the Bharat Bill Payment System, to accept cross-border inward bill payments. I repeat, cross-border inward bill payments. This will enable non-resident Indians, that is NRIs, to undertake bill payments for utility, education and other such payments on behalf of their families in India. This measure will greatly benefit the senior citizens in particular.
और विवेक यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, महंगाई से जूझ रही थी आम जनता और अब उस महंगाई से निपटने के लिए कर्ज लिया जाए तो उसकी ईएमआई का कर्ज भी बढ़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि लगातार जो जनता है देश की वो पहले से महंगाई को लेकर जूझ रही थी, पहले से महंगाई को लेकर लड़ रही थी। अब उसी के बीच आरबीआई की एक और खबर आती है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी गई, 0.50 की बढ़ोतरी बेसिस पॉइंट की कर दी गई है। तो ऐसे में जो होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जो लोग लेना चाहते हैं तो उनको काफ़ी अब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों की अगर बात करें तो पिछले 3 महीनों में 3 बार आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाए। अगर मई की बात करें तो मई में 0.40 की बढ़ोतरी की थी, मई अगर जून की बात करें तो 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी, और अगर 5 अगस्त की आज अगर बात करें तो 0.50 आज बढ़ोतरी बेसिस पॉइंट कर दी गई। तो अब जो बैंकों को जो आरबीआई जो कर्जा देगा, तो बैंकों को आरबीआई जो कर्जा देगा वो 5.40 पे कर्जा देगा। तो जब आरबीआई बैंक को 5.40 पे देगा तो आम आदमी को जो बैंक कर्जा देगी तो वो रेट बाय डिफॉल्ट बढ़ा के देगी। अब अगर बात कर लेते हैं, अगर कोई आदमी 30 लाख का लोन लेता है, 20 साल के लिए होम लोन लेता है, तो उसको इस रेपो रेट बढ़ने के बाद उसको 900 रुपए की जो ईएमआई है उसको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। तो अब जो होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन जो भी लोग लेना चाहते हैं तो उनको अब एक्स्ट्रा ईएमआई पे करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ेगा महंगाई की वजह से। जहां जनता पहले से ही जूझ रही थी, ऐसे में जो कर्ज अब लिया जाता है बैंक से, जो ईएमआई भरनी होती है वो भी अब महंगी हो जाएगी। शुक्रिया विवेक पूरी जानकारी के लिए आपका। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां आरबीआई ने रेपो रेट तीसरी बार बढ़ा दिया है, इसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे, लोगों को महंगाई का एक और झटका। एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के कई जिलों में मौसम सुहाना हुआ है, नोएडा में तेज बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तो लगातार कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है, नोएडा में तेज बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम सुहाना हुआ है, कई जिलों में उत्तर प्रदेश की तेज बारिश हो रही है। पहाड़ियों पर जो बारिश हो रही है उसका असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की ये तस्वीरें, यूपी के कई जिलों में मौसम सुहाना हुआ है, जहां मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। जहां गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन ये बारिश न सिर्फ सुहाना मौसम लाई है बल्कि गर्मी से राहत देने वाली भी साबित हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश शुरू हो गई है, आज मौसम विभाग की तरफ से भी बारिश की संभावना जताई गई। नोएडा से एक बड़ी खबर दे दें, जहां लोटस ग्रुप पर आईटी की छापेमारी हुई है। दिल्ली आईटी की 10 सदस्यीय टीम ये छापेमारी कर रही है, करोड़ों रुपए के कैश ट्रांजेक्शन, टैक्स चोरी की शिकायत पर यह रेड हुई है, सूत्रों के हवाले से खबर। बिल्कुल, आपको बता दें, एक बिल्डर को लोटस ने अपना प्लॉट बेचा था, प्लॉट बेचने में करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ था, और अब उसी मामले को लेकर आयकर विभाग की बड़ी छापेमारी बताई जा रही है। नोएडा में लोटस ग्रुप को लेकर ये बड़ी छापेमारी की गई है। एक बिल्डर को प्लॉट बेचा गया था और प्लॉट बेचने के दौरान करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ था, अब उसी को लेकर इनकम टैक्स विभाग की टीम ने ये बड़ी छापेमारी की है। 10 सदस्यीय टीम ने छापा मारा है, जहां पर क्या सामने आया इनकम टैक्स की ओर से ये देखने वाली बात है। टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद इनकम टैक्स की टीम पहुंची, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और अंकित हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अंकित, अभी भी ये छापेमारी जारी है, क्या अभी तक वहां से अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अब से कुछ समय पहले जो आईटी विभाग की टीम है, दिल्ली आईटी विभाग की टीम बकायदा जो इनकम टैक्स विभाग है वहां पे पहुंचा था। उसके बाद जो लोटस का नोएडा सेक्टर 26 स्थित, आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट ऑफिस है, जहां पर 6वें फ्लोर पे छापेमारी का काम लगातार जारी है। पूरी बिल्डिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कैश ट्रांजेक्शन को लेकर उसमें काफी टैक्स चोरी करा गया था, जिसको लेकर छापेमारी करी जा रही है। वहीं अभी जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं अंदर मौजूद है,
जो फाइलें हैं, कागजात हैं, उनको खंगालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, साझा बताया ये भी जा रहा है, जो एक किसी बिल्डर द्वारा एक फ्लैट जो किसी को बेचा गया था, उसी दौरान करोड़ों रुपए की जो टैक्स चोरी की गई थी, जिसको लेकर ट्रांजेक्शन भी किया गया, जिसमें चोरी का मामला सामने आया है। तो ऐसी कई शिकायतें हैं जिनको लेकर आईटी विभाग द्वारा नोएडा सेक्टर 136 जो लोटस बिल्डर का ऑफिस है, वहां पर छापेमारी करी जा रही है। फिलहाल अभी लगातार छापेमारी जारी है और जो कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी खंगालने काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अंकित, थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या निकल कर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आराधना मिश्रा की आवाज पर पुलिस बल तैनात। हालांकि ये नेता दिल्ली में मौजूद हैं, वे लखनऊ में नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा के लिहाज से ये पुलिस की तरफ से अलर्ट, प्रदर्शन को लेकर जहां आज कांग्रेस देश भर में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इस बीच यूपी में भी कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं के घर पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, आराधना मिश्रा के आवास पर पुलिस तैनात है। हालांकि ये नेता बता दें कि इस समय लखनऊ में मौजूद नहीं है, दिल्ली में है, फिर भी पुलिस फोर्स इनके आवास के पास तैनात कर दी गई है। आज जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह अलग अलग राज्यों में ये प्रदर्शन है। दिल्ली मुख्यालय से भी राजभवन तक कांग्रेस के आला नेता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों में भी आज ये तैयारी कांग्रेस की। दरअसल आज दिल्ली समेत देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। महंगाई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी की अगुवाई में संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकालने की तैयारी है। खबर है कि इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी भी शामिल हो सकती है। हालांकि इस प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पार्टी मुख्यालय में जुटे, लेकिन पार्टी मुख्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। ये तीन तस्वीरें आप देखिए, जहां दिल्ली में किस तरह की कांग्रेस की तैयारियां दिखी, लेकिन पुलिस बल भी इसे देखते हुए अलर्ट पर है। राहुल गांधी की अगुवाई में आज ये मार्च निकाला जाना है, जहां संसद से राष्ट्रपति भवन तक ये मार्च होगा, जिसमें महंगाई और ईडी की कार्रवाई कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ, इसके विरोध में कांग्रेस ये प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन को लेकर पुलिस बल तैनात है। यहां सिपाहियों की तैनाती की गई है। प्रदर्शन में किसी तरह की ऐसी स्थिति ना बने जो लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करे, इसे देखते हुए पुलिस बल पहले से ही अलर्ट पर है। ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महंगाई और ईडी के खिलाफ प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, जहां दिल्ली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। प्रियंका गांधी के भी इस मार्च में शामिल होने की जानकारी है। राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ईडी की तरफ से सम्मन दिया गया था। उस समय वे संसद में मौजूद थे और संसद में उन्होंने इस पर आरोप भी जाहिर किया था, इस पर आपत्ति जाहिर की गई। इस देश ने 70 साल में बनाया, उसको 8 साल में खत्म कर दिया गया। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर की थी, जिसमें आज जो उनका मार्च है उसकी जानकारी दी गई। क्यों ये मार्च कंडक्ट किया गया है, महंगाई से देश की जनता त्रस्त है और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को डराने का प्रयास भाजपा केंद्र सरकार कर रही है, इस पर राहुल गांधी कल भी ये बयान दे चुके हैं कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हम भाजपा से डरते नहीं हैं, केंद्र सरकार से डरते नहीं हैं। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और साथ ही सोनिया गांधी खुद ईडी की पूछताछ के बाद कह चुकी हैं कि वे डरेंगी नहीं और आज
दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जगह जगह इसी तरह कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, महंगाई और ईडी के द्वारा की जा रही कांग्रेस नेताओं से पूछताछ के खिलाफ है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि हम हर हाल में मार्च निकालेंगे, चाहे सुरक्षा कितनी भी बढ़ा ली जाए। कांग्रेस पार्टी महंगाई के विरोध में आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बातचीत में मुझे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैम, आगे दिल्ली पुलिस ने 144 लगा रखी, आप लोग किस तरीके से आगे मार्च के लिए बढ़ेंगे? हम जब लोगों की आवाज उठाते हैं, हम जब महंगाई के मुद्दे पे बात करेंगे, जब बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेंगे, तब तब धारा 144 लग जाती है। लेकिन क्या धारा 144 ने आजादी के दीवानों को रोका था? नहीं रोका था। और धारा 144 पूरे देश की आवाज बंद कर देगी? नहीं बंद कर पाएगी। धारा 144 लगी रहने दीजिए, संस्थाओं को प्रताड़ित करने दीजिए, हम आवाज मुखर होकर उठाते रहेंगे और ये हमें रोक नहीं पाएंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है कि हम आगे नहीं जाने देंगे, यही आप लोग को डिटेन करने का पूरा प्रोग्राम बनाई हुई, तो आगे किस तरीके से आप लोग बढ़ेंगे? कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, 6 लेयर की दिल्ली पुलिस लगी हुई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं। ये मेन विपक्ष का हाल है। आप सोच लीजिए, जो आम आदमी इस देश में अपनी आवाज उठाना चाहता है महंगाई पर, बेरोजगारी पर, उसके साथ ये क्या करते होंगे? ये कुछ भी कर ले, हम जाएंगे, हमने घेराव ऐलान किया हुआ है, हम आगे जाकर उसकी कोशिश करेंगे। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें घसीटिए, हमें मारिए, हमारे नेताओं के खिलाफ ईडी भेजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो कह रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारी बारिश के बीच कांग्रेस के जो तमाम सारे कार्यकर्ता हैं लगातार यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ से कोशिश है आगे जाने की, चाहे अगर बात करें तो पीएम की आवाज के घेराव की बात हो, या फिर अगर बात करें तो चाहे वो फिर वित्त मंत्री की आवाज के घेराव की बात हो, तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ जमे हुए हैं। लेकिन बाहर धारा 144 लगाई गई है, अगर ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनको डिटेन किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि कांग्रेस किस तरीके से अपना प्रोटेस्ट और ये मार्च करती है। कैमरा के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। देखना होगा कांग्रेस का ये प्रदर्शन कितना सफल रहता है। इस बीच एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका को लेकर ये हाउस अरेस्ट का फैसला हुआ है। धारा 144 के तहत एसडीएम कुंडा ने ये कार्रवाई की है। धरने पर बैठे थे कुंडा से विधायक राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह और अब उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, राजा भैया के पिता को हाउस अरेस्ट किया गया है। बता दें कि उनके गांव में मस्जिद से पहले एक द्वार बनाया गया था, जिस पर उन्होंने आपत्ति जाहिर की कि इसमें उर्दू भाषा में कुछ कुछ लिखा हुआ है और इस पर आपत्ति है, सरकार इस पर कोई फैसला ले, इस गेट को यहां से हटाया जाए, इसी की मांग को लेकर वे धरने पर बैठे थे और अब सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका को लेकर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। धारा 144 के तहत एसडीएम कुंडा ने ये कार्रवाई की है। कई दिनों से राजा भैया के पिता धरने पर बैठे हुए थे और अब उन पर ये फैसला लिया गया। और प्रदीप त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़े हैं। प्रदीप, क्या कहना है यहाँ एसडीएम कुंडा का? जी, एसडीएम कुंडा का कहना है कि विधिक कार्रवाई महज इसलिए की गई है कि कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने न पाए, जिसके चलते उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको बाहर विचरण करने से रोकने के लिए उनके गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। गेट पर नोटिस चर्चा की गई है पूरे निर्देश के साथ कि आपको बाहर नहीं निकलना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। जी जी प्रदीप, जो हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, क्या पहले पुलिस अधिकारियों की तरफ से उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई थी जब वे धरने पर बैठे थे कि वे अपना धरना खत्म कर दें? जी बिल्कुल, 2 दिन 2 रात तहसील परिसर में उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे रहे और पुलिस के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी लगातार उनसे कई राउंड वार्ता करते रहे। यहाँ तक कि आधी रात को डीएम और एसपी भी गए उनको समझाने कि आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है, आपकी उम्र इतनी ज्यादा है, भोजन नहीं किया है, लेकिन वो किसी बात को मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल प्रदीप, शुक्रिया जानकारी के लिए। और अब बढ़ेंगे आगे, अब बात राम मंदिर निर्माण की। आज भव्य राम मंदिर निर्माण का काम दिखाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर निर्माण कार्य दिखाएगा।
श्री राम जन्मभूमि पर चल रहे मंदिर निर्माण को आज दिखाया जाएगा। इसे देखने के लिए मंदिर ट्रस्ट ने मीडिया को आज आमंत्रित किया है। दो महीने के बाद मीडिया को आज 5 अगस्त को कार्यक्रम की तैयारियों को देखने के लिए बुलाया गया है। इसके जरिए ट्रस्ट मंदिर निर्माण को लेकर किए जा रहे कार्य को दिखाना चाहता है। इससे पहले मीडिया को मंदिर निर्माण दिखाने के लिए 1 जून को बुलाया गया था। इस समय मंदिर के गर्भगृह और साथ ही रिटेनिंग वॉल का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। 2 साल पहले इसका भूमि पूजन किया गया था और उसके बाद आज मौका है एक बार फिर से इस मंदिर निर्माण को देखने का। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ चुके हैं। विवेक, कब देख पाएंगी देश की जनता भी कि आखिर जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है उसका कार्य कहां तक पहुंच रहा है? देखिए, सबसे पहले आपको जब हनुमान राम की बात होती है तो हनुमान जी का नाम पहले आता है और यहाँ पर कोई भी दर्शन करने आता है, पूजन करने आता है तो सबसे पहले हनुमान गढ़ी पहुँचता है। तो सबसे पहले हम हनुमान गढ़ी में ही हैं और पहले दर्शन करवा देते हैं अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को, हनुमान जी के साक्षात दर्शन करवा देते हैं। यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ लगी है और देख रहे हैं आप कि किस तरह से प्रभु विराजमान है झूले में और लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगा के खड़े हुए हैं। लगातार इस तरह से लाइन भीड़ चलती चली जा रही है। हजारों की संख्या में सुबह से लोग आ चुके हैं यहाँ पर और ये सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि सावन का महीना अयोध्या के लिए कुछ खास होता है और इस हनुमान गढ़ी यानी जो जिसकी पूरे देश में नहीं विदेशों तक में प्रसिद्धि है, प्रख्याति है, उसके जो मुख्य पुजारी हैं महंत राजू दास जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजू दास जी से बात करेंगे। राजू दास जी, आज का दिन तो भव्य है, 2 साल पूरे हो गए और मंदिर निर्माण चल रहा है, क्या कहेंगे? पहले तो पूरे देश को मंगल कामना। सावन का मास चल रहा है, भोले का महीना, जिसमें हर हर बम्बे हर हर महादेव करके हर व्यक्ति जहाँ जहाँ सिद्ध प्रसिद्ध जगह वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। आप हनुमानगढ़ी पे कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जी और हनुमान जी के बिना काम चलता नहीं है। अगर राम जी का नाम लिया जाए तो हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा क्योंकि हनुमान जी महाराज अनन्य सेवक, अनन्य भक्त और महाबली के। यहाँ देखिए रोजाना लाखों भक्त दर्शन और पूजन करते हैं और जो भी आता है पहले हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन करता है फिर राम जी के चरण शरण में जाता है। आज का दिन बहुत ही पावन और पवित्र है। आज का दिन हिंदू जनमानस के लिए सौभाग्य की विषय है। आज का दिन साधु संतों के लिए हर्ष का विषय है कि आज जिसको लेकर हम गुणगान करते हैं, जिसकी नाम की माला फिरते हैं, जिसकी नाम की हम रोटी खाते हैं, आज उनका भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हेतु देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। उस समय में जो भयंकर कोरोना काल चल रहा था सूक्ष्म कार्यक्रम किया था जिसको लेकर साधु संत भी जो उस मानसिकता से ग्रसित थे, जो नहीं चाहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा देकर और मोदी जी ने भूमि पूजन किया था। आज हम लोगों में अपार उत्साह है, उत्कंठा है कि भव्य दिव्य मंदिर निर्माण जल्द से जल्द हो जिसमें लाखों करोड़ों राम भक्त जाकर भगवान की पूजन करे, स्पर्श करे, अर्पण करे और ठाकुर की सनेह में बैठकर उनको भोग लगाए, ऐसी मंगल कामना हम लोग के मन में भाव है, ऐसा विश्वास है। और 500 वर्ष लगे यहाँ तक पहुँचने में जिसमें कई लाख राम भक्त अपने आप को शहादत दिया, 56 बार लड़ाई हुई, 56 बार लड़ाई में कई हजार वीर स्वयं सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, कई लाख राम भक्तों ने प्राणों की आहुति देकर, कई हजार बजरंगियों ने, स्वयं सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर संघर्ष करके, और जो लोग कहते थे कि राम जन्मभूमि मंदिर का आदेश आएगा तो कत्लेआम होगा, मैं उनसे पूछता हूँ आप भी हो, हम भी हैं, आप लोग लगातार झेलते होंगे, देखते होंगे कितना शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ, संपन्न हुआ, निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। हम लोगों में अपार खुशी है, साधु संतों में, हिंदू जनमानस में, और इस खुशी का आप देखिए अभी कि एक समय होता था कि वहाँ पर भोग लगाने के लिए तुलसी दल उपलब्ध नहीं होता है। राम जी काफी साल, कई साल टेंट में रहे। वही मैं कहना चाहता हूँ, एक समय था कि भगवान को तुलसी दल उपलब्ध नहीं होता था। ठाकुर जी जब ठंडी बहुत ज्यादा हो जाती है, तुलसी माता सूख जाती है, तो हम लोग लकड़ी तुलसी जी की पौधा रखे रहते हैं और ऐसे ही छुआकर तब भोग मानते हैं, लेकिन वहाँ पर ये भी उपलब्ध नहीं था। तो आज के समय में बहुत प्रसन्नता होती है, जब मैं कल गया था उनको पालने में झूला रहा था तो पालने की बात कही, सावन में कुछ खास आयोजन होते हैं आप? जी, सावन में आयोजन होते हैं कि देखिए भक्त भगवान को किस प्रकार रिझा ले जाए, तो सावन के मास में हम ठाकुर जी को और माता जी को
जो है पूरा 15 दिन उनको खूब गाते हैं, बजाते हैं, अच्छी अच्छी संगीत भजन सुनाते हैं और सुना के खूब सुंदर से सजाते हैं ठाकुर जी को, अच्छा अच्छा पकवान भोग लगाते हैं, उनको पालने पे झुलाते हैं। जैसे अपने बच्चे को खुश करने के लिए माँ पालना रखती है, झुलाती है, अच्छे कपड़े, तो उसी प्रकार हम लोग भाई ठाकुर जी से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, तो ऐसा कार्य हम लोग करते हैं। और पूरे सावन ये 15 दिन जो चल रहा है ये मास, इस मास में सभी मंदिरों भगवान को विधिवत पूजन, विधिवत भोग, विधिवत उनको सजा कर बढ़िया से पालना में उनको झुलाते हैं। तो मैं जब राम जन्मभूमि कल गया था, इतना सुंदर ठाकुर जी मेरे लल्ला लग रहे थे, उनको पालने में जब झुलाया जा रहा था तो आँख से आंसू आ रहे थे कि प्रभु बड़ी कृपा है, 500 वर्ष तक तो आपने ऐसे झेला और आज आप जो है पालने में जो है आपको झुलाया जा रहा है, तो यह देखकर अति प्रसन्नता हुई। दर्शन के लिए कब तक उपलब्ध होंगे, मंदिर कब तक पूरा बन जाएगा? नहीं, मुझको लगता है कि मंदिर की भव्यता दिव्यता 2024 तक मंदिर भव्य निर्माण हो जाएगा। तो महंत राजू दास जी हैं, 2024 तक निर्माण हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, चूंकि यहाँ पर कुछ देर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पहुंचने वाले हैं, वो यहाँ दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी जी के, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि भी जाएंगे, वहाँ भी दर्शन करेंगे, तो इसलिए ये व्यवस्थाएं, हालांकि हनुमानगढ़ी में इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार रहती हैं, हमेशा रहती हैं, जो सिक्योरिटी इंतजाम है यहाँ पर प्रॉपर सारा अरेंजमेंट किया जाता है, जो मेटल डिटेक्टर है वो लेके एक जो सर्विलांस टीम है वो घूम रही है और जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर वो भी बिल्कुल। और विवेक वो तस्वीरें भी देखेंगे जब मीडिया के लिए जो अभी तक का निर्माण कार्य है राम मंदिर का वो दिखाया जाएगा, आपके थ्रू से देखेंगे। शुक्रिया। राम मंदिर के भूमि पूजन के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। तब से राम मंदिर के निर्माण का काम दिन रात चल रहा है। राम मंदिर भूमि पूजन के आज 2 साल पूरे हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया था। 5 अगस्त वो तारीख थी जिसका लोगों को करीब 500 सालों से इंतजार था। सालों का इंतजार 2020 में पूरा हुआ। अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ संत समाज और लोगों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया। राम मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है। इधर राम लला के दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 7 बजे तक कुल 10 घंटे का समय तय किया गया है। 12 अगस्त तक के लिए दर्शन समय में दोनों बेला में 1-1 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। भूमि पूजन के 1 साल पूरा होने पर 2021 में सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूजा की थी। सीएम नियमित अंतराल पर निर्माण के काम की जानकारी लेने अयोध्या जाते रहते हैं। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का पहला दौरा अयोध्या का ही था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच अमरोहा से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां ढबारसी के सांथलपुर गांव में सरकारी गौशाला में 61 गायों की मौत हो गई। यहां जहरीला चारा खाने से इन गायों की मौत हो जाने की खबर मिल रही है। ये खबर जहां गायों की मौत के मामले में अब एक्शन भी तेज हुआ है। मौके पर बरेली जोन के एडीजी ने जांच की है। आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी के लिए अब 5 टीमें भी गठित कर दी गई है। कुछ देर में पशुधन मंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे। सांथलपुर गांव में गौशाला में अब तक 61 गायों की मौत हुई है। इस मामले में आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को गठित किया गया है। कुछ देर में पशुधन मंत्री भी मौके पर पहुंचेंगे, मामले का जायजा लिया जाएगा। सांथलपुर गांव की गौशाला में अब तक 61 गायों की मौत हो चुकी है। ये मामला जैसे ही प्रकाश में आया हलचल हो गई और उसके बाद इस मामले में तुरंत जांच के आदेश भी दिए गए। बता दें कि खुद सीएम योगी ने इसमें संज्ञान दिया, पशुधन मंत्री को मौके पर जाने के निर्देश दिए। इस मामले में आरोपी ताहिर की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें भी गठित की गई।
बढ़ेंगे आगे लखनऊ से बड़ी खबर, जहां एलडीए के बाबुओं की अलमारियों पर छापेमारी हो रही है। बाबुओं की अलमारियों से मिली है 1000 फाइलें। एलडीए की अहम योजनाओं से जुड़ी हुई ये फाइलें बरामद की गई हैं। एलडीए बीसी के निर्देश पर ये छापेमारी हुई, जहां गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। इनमें कई फाइलें ऐसी भी थी जिनका निस्तारण 3 दिन में कर अफसरों को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन बाबू इन फाइलों को दबा कर बैठे थे। एलडीए मुख्यालय में संपत्ति रजिस्ट्री आश्रयहीन योजनाओं के 8 ऐसे बाबुओं की पहचान की गई, जो कि फरियादियों का काम करने के बजाय उन्हें परेशान करते हैं। इन्हें देखते हुए अब इन बाबुओं पर अलमारियों की रैंडम जांच की जा रही है। बाबू की अलमारी पर छापेमारी में अपर सचिव तक को लगाया गया है। पिता और पुत्र दोनों माननीय हैं। पकौड़ी कोल सांसद हैं तो राहुल प्रकाश कोल विधायक हैं। आरोप है कि पिता पुत्र ही किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं। मामले का खुलासा हुआ तो हड़कंप मचा। अब मामले की जांच हो रही है। नाम किसान सम्मान निधि है, लेकिन वो किसानों को मिलने के बजाय सांसद जी और विधायक जी के खाते में जा रही है। आरोप है कि अपना दल के सांसद पकौड़ी कोल को किसान सम्मान निधि की 9 किस्त मिली है। देखिए, वस्तुस्थिति ये है कि माननीय विधायक राहुल प्रकाश जी हैं, उनका तो नहीं जा रहा है, और सांसद महोदय का जो है जांच हम लोग करा ले रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जो इसकी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जो लिस्ट दी गई है उसमें नाम है। किसान सम्मान निधि लेने वालों की लिस्ट में सांसद के साथ ही उनके विधायक पुत्र राहुल प्रकाश कोल का भी नाम है। आरोप है कि विधायक जी को किस्त इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि उनका आधार कार्ड नंबर अपडेट नहीं था, और जो विधायक जी का इसमें इनका कहीं भी कोई किस्त नहीं गई हुई। ये जांच करने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी आधार नंबर मेरे पास नहीं है। जब नंबर आ जाएगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। एनडीए सरकार में शामिल अपना दल के सांसद और विधायक पुत्र का नाम किसान सम्मान निधि की लिस्ट में होने का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। अब मामला सामने आने के बाद जांच और रिकवरी की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आपको दे दें, लोगों पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। आरबीआई ने रेपो रेट में तीसरी बार बढ़ोतरी कर दी है। अब रेपो रेट में 0.5% की बढ़ोतरी की गई है। अब 5.4% हुआ है। बैंक से कर्ज लेना अब इससे महंगा होगा। रेपो रेट अब 5.4% हो गया है। इससे बैंकों से अगर आप कर्ज लेंगे तो महंगा आपको पड़ेगा, आपकी ईएमआई पहले से बढ़ जाएगी। रेपो रेट 4.9% था पहले, इसे बढ़ाकर अब 5.4% कर दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।